वालेकुम। हम स्टूडेंट्स हैं और हम नासिर उस्ताद को ही सपोर्ट करेंगे और काबिल दीद भी हैं कौम के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट नासिर उस्ताद। तो हम नासिर उस्ताद को ही सपोर्ट करेंगे और आने वाले इलेक्शन में हम उन्हें ही जीतते हुए देखना चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स हैं और हम नासिर उस्ताद को सपोर्ट करने वाले हैं क्योंकि वो हमारी कौम के लिए लड़ रहे हैं और हमें हमारी कौम के लिए लड़ने वाला ही MLA चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट नासिर उस्ताद। नासिर उस्ताद कुछ जिताने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह नासिर उस्ताद ही जाना है। उन्होंच हमारे लिए बेहतर है, उन्होंच हमारे लिए हर चीज़ से सपोर्ट भी कर सकते हैं उन्होंने हमारे को, और उन्होंच आना हमारे वास्ते। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl, Mijgori Road, Gulbarga Girls PU College, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadulla Colony, and Happy Days Play School, Old Jevargi Road. इन पैसों के वास्ते पार्टी विटी नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया में नासिर सर को देखकर मतलब इनके दिल से नो नासिर सर को सपोर्ट करना है, उनके दिल से आए हुए हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। नो दो तीन दिन से कॉल कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ के नासिर सर को जिताना है बोल के वो उम्मीद लेकर आए हैं ना, दो तीन दिन से मेरे को कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, मैडम मैं नासिर सर को देख रहा हूँ उनके लिए काम करना है बोलकर। एक स्टूडेंट है तो आप लोग एक स्टूडेंट को देखकर आप लोग भी एक जज्बा लाना चाहिए, आप सभी लोग मिलकर हर प्रोग्राम में स्टार्ट होना चाहिए। हाँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो इन्होंने कंटिन्यू मेरे को तीन दिन से कॉल करा, मैडम मेरे को नासिर सर के लिए ही काम करना है, मेरे को दूसरा कुछ भी नहीं मालूम। इलेक्शन खवातीन में बहुत सारे मोहल्लों में प्रोग्राम्स हुए हैं, मैं वहाँ पर भी गया था, तो प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमको हमारे बहनों तक पहुंचना है, हमारी माओं तक पहुंचना है। वो सोशल मीडिया नहीं देखती, वो फेसबुक पे नहीं है, बहुत कम तादाद में फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, तुम्हारे व्हाट्सएप पे हैं। ऐसे लोगों के सामने कांग्रेस वाले बहुत से झूठे वायदे कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, और नासिर हुसैन उस्ताद ने किस किन मौक़ों पर क्या क्या काम किया है ये आप लोगों के सामने नहीं है। NRC के टाइम पे नासिर उस्ताद ने क्या किया, पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में एहतजाज किया हमने, 144 रहने के बावजूद गुलबर्गा की 1 तारीख एहतजाज भी, अड़ंत के अंदर गिरफ्तारियां हो रही थी, नासिर उस्ताद कहाँ था? अगर आप फेसबुक देखते हैं तो आप मालूम पड़ जाता है कि भाई ये फलां तारीख को मैं वहाँ पर जगह सर्कल पर एहतजाज किया, DC ऑफिस में एहतजाज किया, अड़ंत के अंदर जब कर्फ्यू था वहाँ जाके लोगों को खांदा देके मैं जो है हजरत लाड मशक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के आते में जाके उनको तस्फीन करके आए, वहाँ के हमारी जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके घर घर जाकर मैं अपना फ़ोन नंबर देके आया कि नासिर हुसैन उस्ताद का फ़ोन नंबर है, कोई अगर पुलिस वाला आएगा तो मेरे को फ़ोन करो। रमज़ान के महीने में मैं आपको बताता हूँ कि 4-5 दिन तक मेरे को रात में 2-3 बजे तक भी हमारी अड़ंत की माएँ और बहनें फ़ोन करती थी, कॉल कर जब मैं फ़ोन उठाता तो मुझे पूछते कि तुम नासिर हुसैन उस्ताद हैं? हाँ मां मैं नासिर उस्ताद हूँ, बोलो। बोलते चेक करने के लिए किसी की पाँव की आहट आती तो फ़ोन करके यही चेक करते थे कि नासिर हुसैन उस्ताद सोए तो नहीं है, ये जो कार्ड हमको मिला है ये कार्ड का नंबर सही है कि नहीं, ऐसे खौफ थी, ऐसे हालात से भी वहाँ के लोग गुजरे हैं। तो आपका भाई जब वक्त बुरा होता है, जब ज़रूरत सहारे की होती है, तो मैं आगे अपने आप को आगे पेश किया हूँ। ये हरकतें आपको इल्म में होना चाहिए, यहाँ पर थोड़े कैलेंडर्स भी हैं, उससे सारी चीज़ों को आप ज़रा उसको डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कि ये इलेक्शन अहम है, ये इलेक्शन JDS का ताकत का, कांग्रेस की ताकत का, ये इलेक्शन सेकेंड नंबर पर, पहले नंबर पर ये है कि हमको एक गुलबर्गा शहर के अंदर एक आवाज़ होना है, मिल्लत के लिए लड़ने वाली आवाज़ यहाँ पर होना है। यहाँ पर हमारी मस्जिदों तक आ रहे हैं, हमारी मस्जिदों के सामने आके हनुमान चालीसा लगाने की बात कर रहे हैं, तो आपका भाई वहाँ महबस में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जाके ठहरा, देखेंगे कौन आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके इल्म में अगर रहें तो आप हमारी दूसरी औरतों को, माओं को, बहनों को समझा सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार भी एक खातून है, मेरे को किसी खातून के खिलाफ शिकायत नहीं है, मगर एक्टिव होना, सियासत समझने वाले होना, सियासत में दिलचस्पी होना, गरीबों के लिए आगे बढ़कर मदद करने वाले होना, मजलूमों के लिए लड़ने वाले होना, असेंबली में इशू को समझकर कौन से इशू पे कितनी तकलीफ़ होती, मुसलमानों को कितनी तकलीफ़ होती वो समझकर बात करने वाले होना, जिनको बात करने नहीं आता, जिनको देख के पढ़ने नहीं आता, जिनके पास सियासी कोई शऊर नहीं है, ऐसे लोगों को अगर साथ देते हैं तो किसका नुकसान है।
हमारा और आपका ही नुकसान है, मिल्लत का नुकसान है। मैं उनकी भी शिकायत नहीं देता, वो मोहतरमा बड़ी नेक हैं, बड़े लीडर की जो है बेवा हैं, उन्होंने जो है आप सबको मालूम है लास्ट टाइम भी ठहरने के लिए तैयार नहीं थे, ये बार भी ठहरने के लिए तैयार नहीं थे, ये बार भी बोले मैं नहीं ठहरते, ये बार मेरे बच्चे को जो कौन से हो क्या नाम उनको जो नहीं तो अहमर को दो किसको तो जो बोल के बोले उन्होंने खुद बोले मैं कांग्रेस की टिकट मेरे को नको, मेरे बच्चे को दियो नहीं तो उनको दियो बोल। वो ऐसा बोलने के बाद उन कांग्रेस वाले क्या बोले, नहीं भाई ठहरे तो तुझ ठहरना। मतलब जो शख्स को, जो इंसान को ये महसूस हो गया है कि मैं लड़ नहीं सकती, मैं कर नहीं सकती, हालात मेरे हाथ से नहीं सुधार सकते, बोलने के बावजूद उनको तुम ठहरा रहे कांग्रेस वाले, सही है? मैं लड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में आया, मौका मेरे को देना चाहिए जो आपके लिए लड़ रहा है, कि जो नहीं लड़ना चाहते तैयारी भी नहीं है उनकी, उनको देना चाहिए। बुरा वक्त कभी भी आ सकता है, बुरे वक्त में हम लोग मजबूत होना, हिजाब के मामले में एक लफ्ज़ नहीं बोले, किसी मामले में नहीं बोले। किलर के सेवा दल की जो विंग है उसमें आप लोगों ने खुद अपने तरफ से होकर शामिल हुए हैं, और नासिर हुसैन उस्ताद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अभी जैसे मैडम ने आपके सामने बताया कि स्टूडेंट्स वॉलंटरीली यानी कि खुद जज्बा पैदा होने के बाद में नासिर हुसैन उस्ताद साहब शहर की ज़रूरत हैं, इस पूरे हैदराबाद कर्नाटक के इलाके के लिए एक मुस्लिम लीडर की हैसियत से, एक मिल्ली क़यादत की हैसियत से मुसलमानों के मसाइल और हालात को बेहतर करने के लिए जो जद्दोजहद नासिर हुसैन उस्ताद साहब कर रहे हैं, उसको महसूस करते हुए, उसको देखते हुए लोग और ख़ास करके ख्वातीन इन दिनों जो 3-4 हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, पिछले महीने 20 तारीख को प्रोग्राम हुआ था नए महल में, उसके बाद से मुसलसल जो प्रोग्राम्स होते आ रहे हैं उसमें ख्वातीन की तादाद बढ़ते जा रही है। मुग़ल फंक्शन हॉल में भी बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद थी ख्वातीन की, औरतों की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद थी, और उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये महसूस किया, ख़ास करके मैडम ने, कि एक ऐसी विंग जो जनता दल सेकुलर में मौजूद है उसको मजबूत करना चाहिए, जो सेवा दल है। ख्वातीन जितने ज़्यादा जुड़ रहे हैं उनके अंदर एक निज़ाम पैदा हो जाए, वो लोगों के अंदर जो भी कोई प्रोग्राम होता है तो बदनज़मी ना हो, यानी कि एक भगदड़ ना मचे, इसके लिए आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ ना सिर्फ ये, बल्कि आप लोग जब यहाँ पर जुड़े हैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ, तो आप लोग अपने अपने इलाकों में, अपने अपने वार्ड्स में ख़वातीन और ख़ास करके अपने पड़ोस में हालात के बारे में बात ज़रूर करें। मसाइल क्या हैं मुसलमानों के, आज आप लोग हिजाब में बैठे हुए हैं, और हिजाब का जो मसला है ये असेंबली में उठना चाहिए था, जहाँ पर हम लोग हमारे लीडर्स को भेजते हैं। अफसोस की बात यह है कि लीडर्स वहाँ पर जाके बात जब नहीं करते हैं तो मसले और फैल जाते हैं, कम नहीं होते हैं। और ऐसे हालात में नासिर हुसैन उस्ताद साहब जैसी क़यादत की आज जो एक मिल्लत के लिए एक रोशन चराग बने हुए हैं, वो एक ऐसा उजाला बने हुए हैं जिसकी रोशनी में लोग अब अंधेरों को दूर करना चाह रहे हैं। और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए ख़ास करके, और ख़वातीन के लिए जो प्रोग्राम्स उनके नज़दीक उन्होंने क़ायम किए हैं, उन्होंने बनाए हैं, वो बहुत अहमियत रखते हैं। 5,000 ख़वातीन को रोज़गार देने का प्रोग्राम, और ख़ुद जनता दल का 5,000 रुपये हर घर की बड़ी औरत को देने का, 5 सिलेंडर्स देने का, और बेवाओं को और यतीमों को जो पेंशन देने का प्रोग्राम है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। ये सभी चीज़ों के बारे में, और सबसे ज़्यादा मिल्लत के मसाइल जो नासिर उस्ताद साहब मुसलसल उठा रहे हैं, CAA NRC में हमारे जो सिटीज़नशिप है, जो शहरियत है, उसके ऊपर सवाल उठाए गए थे, तो उस वक्त नासिर हुसैन उस्ताद साहब जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के साथ मुकाबला किए, वही अंदाज में मुस्लिम चौक पर जो परसों हालात पैदा हुए, जहाँ पर ठेलाबंडी और दूसरे जो रमज़ान के महीने में जो कारोबार करने के लिए लोग थोड़ा सा बाहर आकर खुलकर कारोबार करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, ठेलाबंडी वाले, उन लोगों को कारोबार करने से रोका जा रहा था, उस वक्त भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने आवाज़ उठाई, पुलिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और उसके नतीजे में केसेस भी हो गए। मुसलसल जब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से ज़्यादती हो रही है, आप लोग जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, तब
मुसलमानों की तरफ से जब आवाज़ उठाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ नासिर हुसैन उस्ताद साहब की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है। ये सभी बातें आप लोगों को बताने की ज़रूरत है अपने अपने अड़ोस पड़ोस में और अपने दोस्त अहबाब में, सभी रिश्तेदारों में बताने की ज़रूरत है, और ये बताते रहिए। सेवा दल का काम आप लोगों की तरफ से जब प्रोग्राम्स रहेंगे तब उस वक्त आप लोगों से इंशाल्लाह लिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को अपने अपने वार्ड्स में, अपने अपने घरों के पास ये लोगों को बेदार करने का काम भी करना है। इसी बात के साथ मैं अपने ख्यालात का इख्तिताम करता हूँ।